छत्तीसगढ़ में इस बार बड़ा उलटफेर होने वाला है। कांग्रेस यहां पर बाजी मारती दिखाई दे रही है, तो वहीं भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। छह चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, अब 1 जून को सातवें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले एक के बाद एक कई रहस्य खुलकर सामने आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर भाजपा काबिज रही थी, लेकिन इस बार भाजपा के लिए रहा आसान नहीं है। इस बार वोटरों ने जिन मुद्दों के आधार पर वोटिंग की है, वह भाजपा के लिए बुरी खबरें ला सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहले 3 चरणों में 11 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए थे, लिहाजा यहां मतदान संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में जब मीडिया के द्वारा मतगणना से पहले वोटर के मन की बात जानने की कोशिश की गई, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। दरअसल यहां की महिलाओं ने बताया कि उन्होंने महतारी वंदन योजना के नाम पर वोट किया है, यानी महिलाओं का वोट भाजपा को गया है। वहीं जमीन पर कांग्रेस की ओर से 1 लाख देने के वादे की भी चर्चा दिख रही है। इसके अलावा कुछ इलाकों में आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के मुद्दे पर भी लोगों ने मतदान किए हैं, जिससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद लोगों से बातचीत करने पर पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर लोकसभा पर आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के मुद्दों पर लोगों ने मतदान किया है। आपको बता दें कि यह SC कोटे के तहत आरक्षित सीट है। यहां से फिलहाल भाजपा के सांसद है, लेकिन जिस मुद्दे पर इस बार लोगों ने वोटिंग की है, इससे इस बार यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के चुनाव में बड़े पैमाने पर लोगों ने बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों पर वोटिंग की। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2019 में बीजेपी ने 9 और कांग्रेस ने 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, लेकिन इस बार कांग्रेस को कुछ फायदा होता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट को लेकर पत्रकारों का अनुमान है कि इस बार कांग्रेस के खाते में 3 से ज्यादा सीटें जा सकती है। राजनांदगांव सीट पर भूपेश बघेल और बीजेपी के संतोष पांडे के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं दुर्ग और महासमुंद सीट पर जातिगत आधार पर मतदान होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा कोरबा सीट पर सरोज पांडे और ज्योतिष्णा महंत के बीच कम मार्जिन से हार जीत होने का आसार है। ऐसे में छत्तीसगढ़ से भी बीजेपी को सीटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।